सब्सक्राइब कीजिए SR Time YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आपने उनकी पत्नी साधना सिंह को एक संबल की तरह खड़े होते तो देखा होगा, लेकिन दोनों की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह काफी दिलचस्प है। दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने वाले शिवराज सिंह ने जीवन भर अविवाहिता रहकर समाज सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन पहली बार जब उन्होंने साधना को देखा तो ऐसे मोहित हुए कि सब कुछ भूल गए। दरअसल शिवराज सिंह की जिद थी कि वे आजीवन कुंवारे रहकर राजनीति के जरिए समाज की सेवा करेंगे। उनकी जिद के आगे परिवार की भी नहीं चली थी। इस वजह से पिताजी ने शिवराज सिंह से पहले उनके छोटे भाई बहनों की शादी करना शुरू कर दिया था। 33 साल की उम्र में अपनी बहन की जिद पर वे साधना सिंह को देखने के लिए उनके गाँव गोंदिया पहुँचे थे, जहाँ साधना को पहली बार देख कर ही वे अपना दिल दे बैठे। वही साधना सिंह को भी शिवराज सिंह बहुत पसंद आए थे। उनके सरल स्वभाव ने तो साधना सिंह को खूब आकर्षित कर लिया था। एक दूसरे के पसंद करने के चलते दोनों की शादी लगभग तय हो गई थी। बताते हैं कि जिसके बाद शिवराज ने अपना हाल दिल बयां करने के लिए साधना को एक लव लेटर भी लिखा था। वही शादी के पहले शिवराज और साधना छुप छुप कर 4-5 बार मिले भी थे। बताते हैं कि शिवराज अपने घर में झूठ बोलकर साधना सिंह से मिलने जाते थे। शादी के पहले एक बार शिवराज और साधना ने होली भी साथ में मनाई थी। इस दौरान शिवराज सिंह ने साधना को गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया था। आखिरकार 6 मई 1992 में 33 साल की उम्र में शिवराज सिंह और साधना सिंह हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शिवराज सिंह की जब शादी हुई तो वे सांसद थे। शादी के बाद उनके दो बेटे कार्तिकेय और कुणाल का जन्म हुआ।